जोहार हजारीबाग, नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर फास्टैग से काटे जा रहे हैं अधिक पैसे। बीते कुछ दिनों से कई ऐसी घटना सामने आई है जहां कई लोगों के 125 के जगह 530 रुपए काट लिए गए हैं। टोल प्लाजा के कर्मी से लोगों ने सवाल किए तो कहा कि बैंक की गलती है। जब टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन किया तो प्रक्रिया इतना लंबा कि अभी तक काटे गए पैसे वापस नहीं आए। इन्हीं को लेकर बरही निवासी संजय मेहता ने नितिन गडकरी और NHAI को ट्वीट भी किया। संजय लिखते हैं, झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत रसोईया धमना टोल प्लाजा में अब क्रॉस करते हैं 530 रुपया काट लिया जाता है, या क्या लूट है? कहीं कोई सुनता नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं, कौन सुनेगा? 1033 से कुछ होता नहीं है, क्या करें? यह सरकार सिर्फ लूट पर टिकी है। क्या ये गलतियां जानबूझकर की जा रही है या कोई ग्लिच है? हुआ आपके साथ टोल में ज्यादा पैसा काटा गया ऐसा आप बता रहे हैं, क्या हुई थी पूरी घटना बताएं। दरअसल कुछ दिनों पहले मैं यहां से गुजर रहा था, ये रसोईया धमना टोल प्लाजा है। गुजरने के बाद जब मैंने रिचार्ज कराया तो 530 रुपये का डिडक्शन मेरे जो अपना अकाउंट है फास्टैग का उससे डिडक्ट हुआ। अब मेरे दिमाग में ये काम नहीं करने लगा कि ये 530 रुपये का डिडक्शन क्यों हुआ। तो कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में फिर मैंने एक खबर देखा कि 530 रुपये का ये डिडक्शन सिर्फ मेरा नहीं, कई और लोगों का हो रहा है। मैंने यहाँ टोल के अपने कुछ हैं संपर्क में लोग, उन लोगों से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि ये शिकायत काफ़ी लोगों की आ रही है और ये किस लिए हो रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है। मेरा इस पर सवाल ये है कि अगर इसमें कोई भी टेक्निकल एरर है तो उस गलती को दूर करना चाहिए। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि जो आदमी का 530 रुपये आप डिडक्ट कर ले रहे हैं, अगर कोई गया से कोलकाता जा रहा है तो क्या कोलकाता जाने के बाद वो 530 रुपये अपना वापस मांगने आएगा? दूसरी बात, इसमें जो कंप्लेन का प्रोसेस है वो बहुत टफ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेंडर देती है दूसरी कंपनियों को, थर्ड पार्टी को, कि आप हमें टोल वसूल करके दीजिए। उसके बाद आप जो देखते हैं फास्टैग का जो सर्विस है वो अलग अलग बैंक और बैंकिंग सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं वो लोग प्रोवाइड करते हैं। जब आप टोल के पास शिकायत करने जाएंगे कि हमारा 530 रुपये डिडक्शन क्यों हुआ तो वो कहेंगे कि आप फास्टैग वाले से कॉन्टैक्ट करिए। आप फास्टैग वाले से कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो कहेंगे बैंक वाले से कॉन्टैक्ट करिए। तो ऐसे में जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी इस रास्ते से गुजर रहे यात्री हैं, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। सिर्फ यहाँ से वहाँ जाइए, वहाँ से यहाँ जाइए। तो ऐसे में एक बहुत बड़े लोगों का 530 रुपये का डिडक्शन यहाँ से हो रहा है और 530 रुपया किसी का भी फेयर नहीं। आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, 100 रुपये है कार जीप का, उसके बाद अगर 525 रुपये है बड़े ट्रक का तो 530 रुपया भी किसी का नहीं है। तो ये 530 रुपये का डिडक्शन क्यों हो रहा है सबके फास्टैग के अकाउंट से, ये एक बड़ा सवाल है और टोल मैनेजमेंट को इस पर जवाब देना चाहिए। तो प्रूफ के तौर पे आपने क्या दिखाया कि आपका 530 रुपया कटा है, और टोल वाले को आपने क्या ये जानकारी दी कि आपके पास मैसेज आया है और बैंक से मैसेज आया है, सारी जानकारी आपके पास है और दी कि नहीं आपने? हमने टोल के अपने साथियों से संपर्क किया था, लेकिन इंडसइंड का जो मेरा फास्टैग है मैंने उसमें कंप्लेन ऑनलाइन दर्ज कराया है, और मैं तो ऐसे मतलब छोड़ दिया था कि हो सकता है कभी कुछ माइनस वाइनस रहा होगा मेरा अकाउंट तो डिडक्ट हो गया होगा। लेकिन जब न्यूज़ मैंने देखा और उसके कमेंट सेक्शन में देखा तो कई ऐसे लोगों ने शिकायत दर्ज कराई कि नहीं, मेरा भी डिडक्शन हुआ है। तो हमने अभी इंडसइंड बैंक को अपना कंप्लेन दर्ज कराया है, और आप प्रूफ के तौर पर कह रहे हैं तो मैं अपना मैसेज दिखाना चाहूँगा जो मैसेज मुझे मिला है, और वो मैसेज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये 530 रुपये का डिडक्शन जो है वो मेरे अकाउंट से हुआ, उसका मैसेज भी मुझे मिला, और इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि 530 रुपये का ये डिडक्शन का मैसेज सिर्फ मुझे ही नहीं आया है, एक हमारे पत्रकार साथी हैं उनको भी आया है। तो इस तरीके से कई लोगों का ये डिडक्शन हो रहा है 530 रुपये का, और इसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो इस पर टोल मैनेजमेंट को एक जवाब देना होगा कि आखिर इस तरह की जो गलतियाँ हैं इस गलती को दूर किया जाए, और जो आम यहाँ के लोग हैं या फिर रास्ते से गुजरने वाले जितने भी राहगीर हैं उनको इस तरह की किसी भी परेशानी में ना डाला जाए। मेरा एक ये शक कहता है कि अगर कोई टेक्निकल एरर है तो इसको दूर किया जाए, और अगर जानबूझकर कुछ ऐसा किया गया है तो इसमें करप्शन का एक बड़ा मामला हो सकता है कि टोल मैनेजमेंट अपने अकाउंट में किसी तरीके से पैसे को डिडक्ट कर रहा हूँ। ये मेरा एक एलिगेशन नहीं है, मैं एक संभावना जता रहा हूँ, और अगर नहीं ऐसा कुछ है तो इस एरर को दूर किया जाए।